हसन गुड मॉर्निंग। सर प्लीज बताइएगा यूटिलिटी स्टोर्स पर इस रमजान क्या सिचुएशन रही? जी बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग टू यू टू। यूटिलिटी स्टोर पे हम बात करेंगे, मगर पहले मैं छोटा सा कहना चाहूंगा कि आई फाउंड इट रियली इंटरेस्टिंग कि आप कि यू आर टॉकिंग अबाउट 13-14 घंटे का रोजा, एंड येट आई एम ऑलरेडी थिंकिंग 13-14 घंटे मेरे कैसे पूरे होंगे। एनी हाउ यू नो ऑन विद द यूटिलिटी स्टोर थिंग, तकरीब 8 अरब का जो है वो इस साल यूटिलिटी स्टोर्स के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए रमज़ान जो रिलीफ पैकेज है वो दिया गया है, जो मुल्की तारीख में सबसे ज़्यादा है। अमूमी तौर पे देखा गया था कि 2-3 अरब का देखा जाता था का दिया जाता था, मगर इस दफ़ा एक हिस्टोरिक इसके अंदर जो है वो जंप है तकरीबन 8 अरब का, और इसके अंदर जो 19 अशिया हैं उनकी कीमतों पे जो है वो सब्सिडी दी जाएगी। मैं यहाँ पर ये बाजूर करना चाहूंगा कि थ्रू जो हमारे तकरीबन यूटिलिटी स्टोर्स की जो फ्रेंचाइजीज हैं, जो उनके सब ऑफिसेज हैं, उनको मिला के तकरीबन 6,000 से ज्यादा ये आउटलेट्स हैं जहां पर जो है वो ये सब्सिडी दी जा रही है, और इसमें 19 अशिया के ऊपर जो है वो अप टू 25% तक जो है वो डिस्काउंट अवेलेबल है। और सबसे बड़ी जो उसके अंदर जो सेगमेंट है, जो हिस्सा है तकरीबन 4.5 अरब का, वो तकरीबन ऑयल की परचेज के ऊपर है, और यही वजह है कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस वक्त जो ऑयल मार्केट के मुकाबले में 150 से 160 रुपए जो है वो फी लीटर कम जो है वो प्राइस के ऊपर दस्तयाब है। और जी और सबसे ज्यादा जो अच्छी बात यह है कि हमने देखा कि जिस तरह महंगाई चली है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, एक वेव आई और उससे जो है वो सप्लाई चेन डिस्टर्ब हुई, खाने पीने की अशिया में तवानाई की तमाम चीजों की जो कीमतों में जंप आई, और उसी को मद्देनजर रखते हुए जो है वो ये जो है वो अपना पैकेज दिया गया है, और इसका का बेनिफिट भी आम आदमी को ये होगा कि सब्सिडी तो दे दी गई है, लेकिन क्वालिटी क्या है अशिया खुरनोश की? शहरियों से आपकी बातचीत हो सकी, वो क्या बता रहे हैं कि पैसे तो कम कर दिए गए, निरखों में भी कमी कर दी गई, लेकिन क्वालिटी पे तो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया? जी ये आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है। अमूमी तौर पर कंप्लेंट्स भी यही आती हैं कि यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर इस किस्म की, जहां पर बल्क में चीजें परचेज हो रही होती हैं, बल्क के अंदर जो है वो सेल हो रही होती हैं, तो एक अमूमी तौर पर ये इम्कान होते हैं कि जो मेयार है उसके ऊपर जो है वो कॉम्प्रोमाइजेज होते हैं। मगर इस दफा भी हमने, लास्ट ईयर भी हमने ये बात देखी थी, इस दफा भी जो है वो खसूसी तौर पर यूटिलिटी स्टोर्स की जो टीम है, कि जो मुख्तलिफ टीम्स हैं उनको तश्कील दिया गया है, जो जगह जगह जाके स्पॉट्स के ऊपर चापे भी मार रही हैं, और मकसद यही है कि जो क्वान्टिटी जो यहाँ पर बेची जा रही है, जो अशिया बेची जा रही हैं, उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी जो है वो उसका जो चेक है वो मुकम्मल रखा जा सके। जी ठीक हसन, एक बात और भी, लास्ट ईयर हमने देखा कि चीनी की वजह से नहीं, उसकी जो प्राइस मार्केट में ज्यादा थी, लोग यूटिलिटी स्टोर्स का रुख करते थे, लेकिन उसमें फिर यूटिलिटी स्टोर्स वाले ये कहते थे कि अगर आप बाकी सामान यहां से लेंगे तो हम आपको चीनी देंगे, और वो भी इसमें 2 किलो या 4 किलो जो भी उस वक्त तय था। अब क्या इस साल भी ऐसा है? और दूसरी बात यह है कि क्या यह सब्सिडी सबके लिए है, कोई भी जाएगा यूटिलिटी स्टोर तो उसको इसी नर्ख पे मिलेगा, या कि यह टारगेटेड सब्सिडी है? देखिए, जो आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया है, जो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर दी जाने वाली सब्सिडी है उससे हर शख्स जो है वो मुस्तफीद हो सकता है। ये उन 20 जो उन 2 करोड़ खानदानों के अलावा हैं जो एहसास राशन प्रोग्राम से मुस्तफीद हो रहे हैं, उसके अलावा उनको 30% जो सब्सिडी मिल रही है वो एक सेपरेट सब्जेक्ट है। ये जो सब्सिडी है ये ओपन सब्सिडी होती है, कोई भी शख्स जाके रमजान के दौरान जब वो यूटिलिटी स्टोर के ऊपर जाएगा तो इन अशिया को जब वो खरीदेगा तो ऑलरेडी वो प्राइस वो एडजस्ट हो चुकी होती है, जो सब्सिडी उनको जो है वो प्रोवाइड की है। अगर हम मोटे मोटे फिगर्स की बात करें तो ऑयल के ऊपर इट्स ऑलमोस्ट 4.5 बिलियन, इसी तरह आटे की कीमत के ऊपर जो है वो तकरीबन 2.5 अरब की सब्सिडी दी गई है, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि जो 10 किलो का थैला है वो तकरीबन 375 से 400 रुपए का जो है यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल है। अगर हम ऑयल की बात करें, ऑयल जो है वो मार्केट के मुकाबले में 150 से 160 रुपए सस्ता यूटिलिटी स्टोर के ऊपर अवेलेबल है, तो ये वो सब्सिडी है, ये क्रॉस द बोर्ड है, इससे कोई भी मुस्तफीद हो सकता है। जी चलिए, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आवाम को सब्सिडी प्रोवाइड की जा रही है, और आवाम इस पर अगर आवाम खुश है तो डेफिनेटली मुल्क का हर एक शहरी खुश होगा। हसन तारिक, आपसे बस जाते जाते यही कहेंगे कि मौसम की सख्ती है, फील्ड में आप मौजूद हैं, रोजादार हैं, और अल्लाह ताला आपको मजीद हिम्मत और हौसला, ठंडा तौलिया लेके आपने रखना है, वो आप जरूर लेके रखना, और कोशिश करेंगे कि आज हमने यूटिलिटी बाजार से आपको चेज किया, कोशिश करेंगे कि कल हम आपको फलों और सब्जियों के किसी बाजार में पाए, ताकि सुबह पाकिस्तान के साथ ये जो आपकी गुफ्तगू है ये जरा चलती रहे।